हेलो फ्रेंड्स, चलिए आपको फिर से एक और नए डिजाइन का डोरमेट बनाना बताते हैं, जिसके लिए मैंने चार कलर ले लिए हैं और ये मैंने यहाँ पे 9 नंबर सिलाई ली हुई है। इसी से मैं आपको बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बनाना बताऊंगी, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये प्यारा सा हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो आप इस डोरमेट को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, टेबल मैट की जगह या डोरमेट की जगह या पूजा आसन की तरह। तो आइए सबसे पहले हम फंदे डालना शुरू करते हैं। तो डोरमेट बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपना फंदा डालेंगे और 25 फंदों में मैं आपको बता रही हूँ, आप इसी तरह से फंदे ले लें। यहाँ पे ये देखिए, सिंपल ही फंदे हमने डाल ले हैं इस तरह से। तो आइए यहाँ पे 25 फंदे डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 25 फंदा ले लिया है और यहाँ पे हम सबसे पहले एक सिलाई अपना इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए, एक सभी फंदों को 25 फंदों को एक सिलाई हम बुन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, कलर आपको जो भी पसंद है आप उस कलर को ले सकते हैं यहाँ पे। तो आइए मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हम एक सिलाई इसको बना लिए हैं। फंदे डालने के बाद यहाँ पे हम एक सिलाई बना लिए हैं। अब इधर से भी हम पूरा इसको इसी तरह से बुन लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ पे आगे के फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो दोनों साइड से बनाते हुए एक सिलाई हो जाएगी। ऐसे अगर हम गिन रहे हैं तो एक सिलाई इधर और एक सिलाई इधर, दो सिलाइयाँ पे एक ही सिलाइयाँ, ये एक ही सिलाई बोल लें, चाहे आप इसे दो सिलाइयाँ बोल लें इस तरह से। तो मैं यहाँ पे इसको बना लेती हूँ। यहाँ तक बुन लेती हूँ कि फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक सिलाई बना ली है। अब यहाँ से हमारा डिजाइन बनेगा इसमें। तो पहले फंदे को हम उतारेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे। ये देखिए, पहले फंदे को मैंने उतार लिया है, धागा अपनी तरफ है। तो यहाँ पे 2, 3 इस अंदर को दबा लेंगे जो धागा निकला हुआ है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इस कलर से ये 10 फंदा अपना बना के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम अपना इसमें कलर ऐड करेंगे। तो कलर ऐड करने के लिए यहाँ पे ये देखिए, 1, 2 इसको अंदर की तरफ कर लेंगे, 3, 4, 5। तो 5 फंदे मैंने अपना जामनी कलर से बना ली हूँ। इसके बाद 5 फंदे मैं अपना ब्लू कलर से बना लूँगी। कलर अपनी पसंद के इसमें आप लगा सकते हैं। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये देखिए 5। अब इसके बाद हम 5 फंदों में अपना वाइट कलर लगा लेंगे। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये देखिए 5। तो हमने चारों कलर लगा लिए हैं इसमें। सिलाई को पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ से हम इसको पहले फंदे को उतार लेंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जैसे हैं 5-5 उसी कलर से हम इनको बनाएंगे। और जहाँ पे हमारे 10 फंदे इस कलर से हैं वो हम उसी कलर से बनाएंगे। धागे को क्रॉस कर लेंगे अच्छे से ताकि यहाँ पे कोई खुला सा नहीं दिखे। ये देखिए इस तरह से, और इस वाले धागे को इसके ऊपर से लाना है। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे एक सिलाई बनाने के बाद डिजाइन अपना शुरू कर दिया है। अब ये देखिए, यहाँ पे ये 10 फंदे इस कलर से हम बना लेंगे।
ये देखिए दोनों साइड से पहले फंदे को हम उतार लेंगे। ये देखिए धागा पीछे कर लेंगे और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। अब ये देखिए हम आगे हैं उल्टी साइड पे, सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बनाएंगे और सीधी सिलाई उल्टी सिलाई पे हम अपना डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे 10 फंदे ये बुन लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 और एक फंदा हम जामनी कलर का इस कलर से बनाएंगे, 10, 11। ये देखिए इस तरह से आगे के हम 1, 2, 3, 4 और एक ब्लू का 5। ये देखिए ब्लू इस धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे ब्लू से 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 और लास्ट के ये व्हाइट वाले 4 फंदे रह गए हैं, तो इन्हें हम 4 फंदों को इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से अब सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना। देखिए यहाँ पे हमने एक सिलाई इसी तरह से बनाई थी और हमने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ डिजाइन की बना ली हैं। हम आगे हैं उल्टी तरफ से ही हमने डिजाइन को बनाते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ पे हम 11 फंदे अपना बुन लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 12 फंदे। ये देखिए हम इस डिजाइन को यहाँ पे नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। अब ये देखिए 12 हो चुके हैं, हर बार एक एक फंदा हम जामनी कलर का अपना कम कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे ये देखिए 2, 3, 4 और ये देखिए सबसे पहले हमारे ये वाइट कलर के ही फंदे कम हो रहे हैं, पिछली सिलाई में एक फंदा कम हुआ था। अब यहाँ पे हमारा ये देखिए 5 फंदे, अभी ये 5-5 पूरे चल रहे हैं और यहाँ से एक एक फंदा कम होता हुआ जा रहा है वाइट का, तो 3 फंदा हम बना लेते हैं। ये ऐसे ही डिजाइन को बनाते हुए यहाँ पे वाइट के सभी फंदे कम हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा फिर ब्लू आ जाएगा, तो ब्लू को भी हम इसी तरह से बंद करेंगे। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इनको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो आइए सीधी सिलाई को बनाते हैं। यहाँ पे सीधी सिलाई पे उल्टी सिलाई पे फिर से आ गए हैं, इस फंदे को उतारेंगे और 12 फंदे ये बुन लेंगे। 10 से ये 12 फंदे हो चुके हैं, ये देखिए 12 बुन लिए हैं और 13वां फंदा फिर से हम बना लेंगे जामनी कलर से इससे, और यहाँ पे आगे के 5 फंदे इसी कलर से बनाएंगे। 4 हो चुके हैं, एक ब्लू कलर से 5। अब यहाँ पे ये भी फंदे ये देखिए, अब हम यहाँ पे 2 फंदा ही रह गया है और ये वाइट से, तो वाइट के यहाँ पे 3 फंदा कम हो चुका है। ये देखिए 3 सिलाइयाँ हो चुकी हैं, 1, 2, 3 तो यहाँ पे ये वाइट हमारा सभी कम हो जाएगा। तो मैं ये वाइट के एक फंदा और कम कर लेती हूँ, फिर आपको लास्ट वाले फंदे पे दिखाती हूँ। करना हमने इसी तरह से है जो आपको हम बताते जा रहे हैं, सीधी सिलाई कुछ नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे 5 फंदे जामनी कलर से हैं और 5 फंदे ही ब्लू के बन जाएंगे। लास्ट में यहाँ पे देखिए वाइट का एक फंदा है, तो इसको भी हम यहाँ पे ये देखिए 4 और ये देखिए 5, तो वाइट यहाँ पे पूरा अपना बंद कर दिया है। ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे इतना हमारा ये डिजाइन बन चुका है। वाइट यहाँ पे सभी फंदे कम हो चुके हैं, अब 5 जामनी कलर से हैं और 5 ही ब्लू कलर से हैं, 10 फंदे ये हैं। अब सीधी सिलाई में हमारा जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इनको बना लेते हैं। ये देखिए 3, 4,
चार पाँच पीछे धागा करेंगे। अब यहाँ पे जामनी कलर से एक दो तीन चार पाँच यानी कि 10 फंदे। अब यहाँ पे ये हम 15 फंदे बुन लेते हैं। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 ग्यारह बारह तेरह चौदह और लास्ट का 15। तो यहाँ पे ये हमारा एक डिजाइन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब सभी फंदों को, ये वाले जो फंदे हैं हमारे 10, वाइट तो हमने बंद कर दिया है, वाइट हमने यहाँ से कट कर लिया है, और यहाँ पे हमारे ये जामनी कलर से और ब्लू कलर के 10 फंदे हैं, तो ये सभी फंदों को हम इसी कलर से हम बना देंगे। ये देखिए सभी 25 फंदे इसी कलर से टोटल हम पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये एक डिजाइन बन चुका है। इसी तरह से हमने यहाँ पे अपना डिजाइन बनाना है। इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना ही आपको इसकी चौड़ाई चाहिए और लंबाई। ये देखिए तो यहाँ पे ये 5 फंदे भी, एक दो तीन चार और ये 5 छः सात आठ नौ और ये देखिए 10। तो यहाँ पे मैंने अपना डिजाइन बंद कर दिया है। अब सीधी सिलाई को हम पूरा सीधा बना लेते हैं, इसके आगे आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूरी सिलाई को अपना बना लिया है, 25 फंदों को मैंने बना लिया है। अब हम यही फिर से अपना डिजाइन रिपीट करेंगे। यहाँ पे भी मैंने एक सिलाई बनाई थी और यहाँ पे भी ये बना ली है। फिर से मुझे अपना डिजाइन दोबारा रिपीट करना है इसी तरह से। ये देखिए और यहाँ पे आप एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये 10। अब ये देखिए यहाँ से हम दोबारा अपना डिजाइन शुरू कर रहे हैं। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच। अब ये देखिए इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब 5 फंदे हम अपना वाइट से बनाएंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच। अब हमारा इसमें डिजाइन हमने शुरू से फिर से बनाना शुरू कर दिया है। इसी तरह की आप हम यहाँ पे जितना भी हम इसको लंबा बनाएंगे, उसी तरह से आपने ये हर बार ऐसे ही डिजाइन को बनाते हुए जाना है। जैसे कि मैंने वाइट यहाँ पे कम कर दिया है और 10 फंदों पे पूरी सिलाई को इसी कलर से बना दिया है, इसी तरह से हम इसको बनाते हुए पूरा डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं, जैसे ही आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीधी सिलाई को, ये देखिए जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इनको बनाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे हम ब्लू को आगे लाते हैं और 5 फंदा ब्लू से बना लेते हैं। ये देखिए पीछे हम धागा करेंगे और हम अब अपना ये वाला कलर जामनी कलर से बनाएंगे। अब 10 फंदा हम अपना इसी कलर से बनाएंगे। तो आइए मैं इसको इसी तरह से पूरा करती हूँ और इसके बाद आपको फिर दिखाते हैं कि देखिए हर बार अब एक एक फंदा हमने यहाँ से ऐसे करते हुए जाना है और वाइट के यहाँ पे सभी फंदे कम हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हुए हैं ये
सेम तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना इसको बना लिया है। आप अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई रख सकते हैं और लंबाई भी आप अपने हिसाब से इसकी बना सकते हैं। मैंने इतना आपको बना करके बताया है, जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से बनाएं। यहाँ पे मैंने तीन पत्तियाँ, जैसे मैंने ये बनाई है, सभी को मैंने इसी तरह से बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप लंबाई भी इसकी और बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, बनाने में बिल्कुल ईजी है। तो आइए इसको हम और भी बना करके पूरा करते हैं, इसके बाद दिखाते हैं आपको।